सबसे पहले सर्वनाम भाषा में क्या काम करता है हम वो देखेंगे। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, मैं वो पैराग्राफ पढ़ूंगी जिसमें सर्वनाम का यूज़ नहीं हुआ है, और उसके बाद हम दूसरा पैराग्राफ वही देखेंगे जिसमें हमने संज्ञा के बदले सर्वनाम यूज़ किया है। आप दोनों पैराग्राफ को ध्यान से सुनना, आपको पता चलेगा कि सर्वनाम क्या काम करता है। देखते हैं हम पैराग्राफ। प्रेमचंद की आज़ाद तबीयत को नौकरी नहीं भाती थी, स्वाधीन रहकर प्रेमचंद लिखने पढ़ने का धंधा करना चाहते थे। प्रेस खुलते समय प्रेमचंद के दिमाग में यही एक बात थी कि प्रेमचंद की किताबें प्रेमचंद ही छापते रहेंगे, मगर प्रेमचंद के प्रेस को वर्षों तक नहीं चला सके। ये पैराग्राफ में हमने देखा कि प्रेमचंद जो संज्ञा है, जो एक नाम है, वो यहाँ पे पैराग्राफ में बार बार यूज़ हो रहा है। उपयुक्त गद्यांश में कोई अशुद्धि नहीं है। भाषा की दृष्टि से देखें तो ऊपर का जो पैराग्राफ है, हमने जो पैराग्राफ पढ़ा, वो अशुद्ध नहीं है, मतलब उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से यह बिल्कुल शुद्ध है, किंतु फिर भी यह गद्यांश सहज प्रतीत नहीं होता है। कोई भी गलती नहीं है, फिर भी हमें वो सही नहीं लगता है। हिंदी भाषी कभी भी भाषा का प्रयोग करते समय प्रेमचंद शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करता। कोई भी नाम हो, प्रेमचंद के अलावा भी अगर कोई नाम हम ले, तो कोई भी नाम हम बार बार यूज़ नहीं करते हैं। अब इसी गद्यांश को पुनः लिखते हैं। अब हम जो पैराग्राफ देखेंगे उसमें हमने सर्वनाम का यूज़ किया हुआ है। देखते हैं हम पैराग्राफ। प्रेमचंद की आज़ाद तबीयत को नौकरी नहीं भाती थी, स्वाधीन रहकर वे सर्वनाम है, ऊपर के पैराग्राफ में वे के बदले प्रेमचंद था, वे लिखने पढ़ने का धंधा करना चाहते थे। प्रेस खोलते समय उनके दिमाग में यही एक बात थी, उनके वो भी प्रेमचंद के बदले यूज़ हुआ है, सर्वनाम है, कि अपनी किताबें वे आप ही छापते रहेंगे, मगर प्रेमचंद अपने प्रेस को वर्षों तक नहीं चला सके। यहाँ पे ब्लू कलर से जो वर्ड है वो क्या दर्शाते हैं, सर्वनाम को दर्शाते हैं। यह दूसरा गद्यांश पढ़ने में सुंदर प्रतीत होता है। इसमें और पहले गद्यांश में क्या अंतर है, यदि इस और ध्यान दे तो स्पष्ट होगा कि पहले गद्यांश में प्रेमचंद का प्रयोग बार बार हुआ है, जिसके कारण वाक्यों की सहजता पर प्रभाव पड़ा है। दूसरे गद्यांश में प्रेमचंद के स्थान पर वे, उनके, अपनी, आप तथा अपने शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द संज्ञा प्रेमचंद के स्थान पर प्रयुक्त होने पर भी प्रेमचंद का स्पष्ट एहसास दिलाते हैं। इन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। प्रभावशाली हो गए, और यही कारण
स्त्रीलिंग भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो यहाँ पे तीसरा जो नियम है सर्वनाम का वो क्या है कि सर्वनाम का जो लिंग परिवर्तित होने से नहीं बदलता, मतलब सर्वनाम जो है वो लिंग परिवर्तन होने के कारण बदलता नहीं है। जिसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, लड़का खड़ा है, लड़का भिखारी को खाना देता है, यहाँ पे लड़का पुल्लिंग है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्वनाम का उपयोग करेंगे, लड़का खड़ा है, वह भिखारी को खाना देता है, वह क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। अब मैं स्त्रीलिंग का यही सेंटेंस फिर से दोहराती हूँ, ये हमने पुल्लिंग का देखा, अब लड़का के बदले हम क्या करेंगे, लड़की, लड़की खड़ी है, लड़की भिखारी को खाना दे रही है। अब लड़की के बदले हम सर्वनाम यूज करेंगे तो सेंटेंस क्या होगा, लड़की खड़ी है, वह भिखारी को खाना देती है। हमने दोनों सेंटेंस में देखा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कि यहाँ पे लड़का और लड़की जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है जो नाम है उसके बदले जब हमने सर्वनाम का उपयोग किया, कौन सा सर्वनाम यहाँ पे हमने यूज किया, वह, लड़का और लड़की के बदले हमने वह यूज किया। अब पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी दोनों में वह सर्वनाम क्या रहता है, दोनों में एक ही रहता है। तो ये नियम है कि चाहे लिंग बदलने से क्या होता है, सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब स्त्रीलिंग को या पुल्लिंग सर्वनाम में कोई बदलाव नहीं होता है। चौथे तो हम देखते हैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं, तुम तथा हम सर्वनाम का अशुभ प्रयोग न किया जाए। बहुधा लोग इन सर्वनामों के साथ को वाचक का प्रयोग करते समय मुझको, तेरे को, तुमको, हमको का प्रयोग करते हैं जो गलत है। हम कई बार, हम लोग भी जब हिंदी में बात करते हैं तब क्या करते हैं, यही शब्द का प्रयोग करते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, एकदम गलत है। तेरे को, मेरे को, ये सारे शब्द जो है वो गलत है। इसके बदले हमें कौन से शब्द प्रयोग करने चाहिए, मुझे, तुम्हें तथा हमें का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बदले ये चार शब्द जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं तेरे को क्या है, मैंने तुमको नहीं किया, तेरे को क्या है, लेकिन हमें ऐसा नहीं बोलना है। अगर हमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, मैंने तुमको नहीं किया, तुझे क्या है, तेरे को, वो गलत है। तेरे को के बदले क्या आएगा, तुझे क्या है, मेरे को आज बाजार जाना है, ये गलत है। उसके बदले क्या आएगा, मुझे आज बाजार जाना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। और पांचवा जो नियम है सर्वनाम का, वचन और कारक के कारण सर्वनाम शब्द के रूप में परिवर्तित होता है। हमने आगे देखा था कि लिंग में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वचन और कारक में परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं वचन का एग्जाम्पल, एक वचन बहुवचन हमने देखा है, जब किसी एक व्यक्ति की बात होती है तब हम उसे एक वचन कहते हैं, और एक से ज्यादा होता है तब वो क्या कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। तो पहले हम देखते हैं एक वचन का सेंटेंस, वह अभिनय करता है, मतलब कोई एक लड़का या कोई भी एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अभिनय कर रहा है। दो तीन लोग हैं तो उसके लिए जहाँ पे बहुवचन है वहाँ पे वह अभिनय करते हैं हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन हम क्या यूज करेंगे, वे अभिनय करते हैं। तो यहाँ पे वह एक वचन के लिए यूज हुआ और वे बहुवचन के लिए यूज हुआ। तो ये नियम हमें याद रखना है कि जब वचन बदल जाता है तो उसके साथ साथ सर्वनाम का रूप भी बदलता है। वैसे ही हम देखेंगे कारक का एक एग्जाम्पल, उसके साथ बाजार जाकर चित्र लाओ, क्या करना, क्या कारक आया है, कोई एक व्यक्ति है उसके साथ बाजार जाना है और चित्र लाना है, यहाँ पे सर्वनाम है उसके साथ। लेकिन जब अपादान कारक होगा उसमें क्या होगा, उससे चित्र लाओ, डायरेक्ट कहाँ गया है, उससे चित्र लाओ। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से वचन और कारक बदलने से सर्वनाम में डिफरेंस होता है, किस तरह से बदलाव आता है। आज हम यहाँ तक देखेंगे, सर्वनाम के भेद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल
ये भी सर्वनाम दर्शाने वाला।